में अगले दिन तो महाअभियान का रूप ले लिया, अंबाला में पहुंचा तो एक आंदोलन का रूप ले लिया, कल राई और पानीपत ग्रामीण में पहुंचा तो एक व्यापक आंदोलन का रूप ले लिया, और आज जुलाना में इसने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया है। ये मैं कह सकता हूं आपको, आपने देखा होगा लोगों की जिस तरह से जो हाजी संख्या थी और बाकी जो आम आदमी जिस तरह से निकल के आ रहा था और आम आदमी जिस तरीके से अपनी जो सरकार के प्रति एक गहरा रोष गहरी नाराजगी है इन बातों को लेकर जो हमने कहा है उनको स्वीकारता आम आदमी की स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, पहली बात। दूसरी बात, भाजपा का जो इस अभियान के बाद तिलमिलाहट दिखाई दे रही है, सरकार की जो तिलमिलाहट दिखाई दे रही है वो किसी से छुपी नहीं। पहले दिन सरकार ने, सरकार के काफी वरिष्ठ केंद्रीय एक दो केंद्रीय मंत्रियों का बयान आए, अगले दिन स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री महेंद्रगढ़ आए और उन्होंने कहा कि साहब हम कांग्रेस से मांगेंगे, मतलब 10 साल बट्टा बिठा दिया हरियाणा का और हिसाब कांग्रेस से मांगेंगे, और उनकी जबान पे उनके खुद के मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं सुनाई दिया, उनकी जबान पे 10 साल के बाद भी हुड्डा साहब का नाम सुनाई दिया। तो ये 10 साल की कुछ काम किए हो तो बताएं, कुछ काम ही नहीं किए 10 साल में, को अपने काम बता के जाते कि हमने ये किया हमने वो किया, काम कुछ किए नहीं, हरियाणा का इतना नुकसान कर दिया इस सरकार ने। और उसके बाद कल मुख्यमंत्री, पहले केंद्रीय गृह मंत्री का की बात आई और कल नायब सिंह जी 11 सवाल पूछ रहे हैं नेता विपक्ष जी से, हुड्डा साहब से। तो ये कैसी भाजपा की 10 साल के कार्यकाल के बाद, यानी कि कुछ 11 काम बताने को नहीं है, 11 काम बताने को नहीं है नेता विपक्ष चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस पार्टी से 11 प्रश्नों के माध्यम से पूछ रहे हैं, ये स्पष्ट दिखाई देता है। पहली बात ये तो इस अभियान की बातें हो गई, अभियान के प्रश्न आपको पता है सारे प्रश्न कि देश में सबसे ज्यादा 10 साल के बाद देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है, देश में सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा वैट का दर, हमारे टाइम 8% था अब 17% हो गया, हरियाणा में क्यों है, देश में सबसे ज्यादा अपराध का दर हरियाणा में क्यों है, क्यों SC और OBC समाज की सारी स्कीम्स भी बंद कर दी, उनके हितों पर भी इस सरकार ने जो चोट मारने का काम किया, आपने देखा 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद होगी, पीने के पानी की टंकी टूटी की स्कीम बंद हो गई, वजीफे की स्कीम लगभग इन्होंने काफी हद तक कम करने का काम किया, या इंदिरा आवास योजना बंद हो गई, यहां तक कि मनरेगा का भी बजट एक तिहाई करने का काम किया, गरीब आदमी की जितनी योजनाएं थी उनको समाप्त की तरफ ले गए, और जो संविधान का बाबा साहब ने जो अधिकार दिए थे SC समाज OBC समाज हर वर्ग को कि सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी में उनके लिए आरक्षण का प्रावधान, सरकारी नौकरी 2 लाख समाप्त कर दी, पिछले 5 साल में 10,000 भर्ती हुई पक्की जिसमें हरियाणा के बाहर के बच्चे लगे, और बाकी नौकरियों को या तो समाप्त कर दिया या उनको अटका दिया गया, CT में उलझा दिया गया। उसके साथ साथ जो लगी कौशल निगम के माध्यम से कच्ची बिना विदाउट रिजर्वेशन विदाउट पेंशन विदाउट मेरिट, ये सरकार का काम होता है किस तरह से, मैं समझता हूँ हरियाणा में जो किया गया। और उसके साथ साथ हर आदमी गरीब आदमी की को मिलने वाली जन सुविधा, गरीब आदमी के तो घर जाकर जन सुविधा देनी चाहिए, उसको अपनी कामकाज चलाने से फुर्सत नहीं, वो अपनी उनको पोर्टलों में उलझा दिया, आईडियो में उलझा दिया, कागज ठीक कराओ, पोर्टलों में उलझो, आईडियो में उलझो, कहीं ना कहीं नीयत ये दिखाई दी कि लोगों की सहूलियत से लोगों को वंचित रखने की नीयत से आज इस सरकार की कार्यशैली रही है। हर वर्ग को सड़क पर आना पड़ा, छोटे बच्चों को धरने देने पड़े, 500 स्कूल बंद कर दिए, 5,000 स्कूल बंद कर दिए थे, 500 स्कूलों में धरने हुए, बेटियों को जंतर मंतर से लेकर अपने न्याय के लिए खिलाड़ियों को धरने देने पड़े, किसान को धरने देने पड़े, आड़तियों को धरने देने पड़े, शिक्षकों को इस सरकार के धरने देने पड़े, सरपंचों को धरने देने पड़े, कर्मचारियों को पेंशन स्कीम के लिए धरने पड़े, कोई वर्ग ऐसा नहीं जिस वर्ग को धरने ना देने पड़े, और उनको लाठी उन पर लाठियां नहीं बरसाई गई। तो 10 साल ऐसा हरियाणा चला है, ये हमारे सारी चार्जशीट है, तो चार्जशीट के माध्यम से हम लोगों के बीच नेताओं के प्रतिष्ठानों पर इन दिनों छापेमारी पड़ रही है, उसको किस नजरिए से देख रहे हैं, चुनाव का दौर चला हुआ है और उस दौर में ऐसे
जो छापेमारी हो रही है क्या उसको मैं भाजपा की जो कार्यशैली रही है उसी नजरिए से देखता हूँ। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना और जांच एजेंसियों के निशाने पे विपक्ष को लेना ये भाजपा की कार्यशैली है। अगले दो महीने के लिए आप लोग भी ऐसी खबरों के लिए तैयार हो जाएं। हर रोज जांच एजेंसियों को कहीं कहीं भिजवाया जाएगा और कांग्रेस और विपक्ष को निशाने पे लिया जाएगा। ये स्वाभाविक रूप ये जो है मैं समझता हूँ एक व्यवस्था ऐसी बन गई है हमारे देश की जो संवैधानिक और प्रजातांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की बात इस तरह की कार्यशैली है। लोगों ने इसी तरह की कार्यशैली को अपनी वोट की चोट से 400 पार का इनका नारा जो ध्वस्त किया था लेकिन शायद कांग्रेस ये बीजेपी पार्टी इस बात को अभी समझ नहीं रही। देखो एक और मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये सरकार का आखिरी महीना आ गया है, आखिरी एक दो महीने और ये अब ये जो फैसले एक जो अनाउंस कर रहे हैं ये इनका घोषणा पत्र आप मानना, क्योंकि करना तो अगली सरकार को है। घोषणा पत्र इन्होंने 2014 का भी पूरा नहीं किया, 2019 का भी पूरा नहीं किया। 9,000 बेरोजगारी भत्ता आपने सुना, आपने 5100 बुढ़ापा पेंशन सुनी, क्या हुआ? हर जिले में मेडिकल कॉलेज का कुछ आपने सुना? अपने घोषणा पत्र में जो जो बातें इन्होंने तो पंजाब स्केल भी बोला था इन्होंने कर्मचारियों का, आपने सुना कि उस पर कुछ हुआ हो? स्वामीनाथन कमीशन, किसान की आमदनी दुगनी हो, तो सेंटर के भी हैं हरियाणा के, मैं तो हरियाणा के कुछ बता रहा हूँ आप। तो घोषणा इन्होंने ना 14 की पूरी करी, ना 19 की पूरी करी, ना ये करेंगे घोषणा। मैं एक और बता रहा हूँ आपको, ये अग्निवीर आप कह रहे हैं ना, ये घोषणावीर सरकार बन गई, घोषणावीर, और इनके काम 54 के हैं और घोषणाएं 10 रुपए की करते हैं। आप इसको थोड़ा सा गहराई से लेना जो मैंने बात की है, काम ये 54 के करते हैं और घोषणाएं 10 रुपए की करते हैं, ये प्रदेश के लोग समझ जाएंगे जो मैं कह रहा हूं। घोषणा ये किनसे कुछ करा लो मगर धरातल पे क्या किया, काम क्या किए वो बताएं 10 साल। अब लोग अपने काम बताएं, 10 साल के कामों के आधार पर लोगों के बीच में जाएं। आखिरी अपनी सरकार के आखिरी के 10 हफ्ते की घोषणाएं करके लोगों के बीच में मत जाएं, अपने 10 साल के काम के आधार पर लोगों के बीच में जाएं तो हम माने इनको। इतनी घोषणाएं आखिर में करनी पड़ रही है तो यानी कि काम कुछ किया नहीं 10 साल, ये भी इस बात का सबूत है। एक बार प्लीज है, इस बाई चांस सारे अब इसके फिर आप लोकसभा में कांग्रेस क्या क्या विधानसभा में वो मेंटेन कर पाएगी? बढ़ेगा प्रचंड बहुमत से लोकसभा में, देश में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत अगर कहीं आया आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी का भी और विपक्ष का इंडिया गठबंधन, तो वो दक्षिण के तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या तेलंगाना जहां हमारी सरकार है वहां नहीं आया, वो हरियाणा के अंदर 47.6% मत मिला कांग्रेस को देश में सबसे ज्यादा। हमारी ना सिर्फ 5 लोकसभा सीट आई मगर ज्यादा विधानसभाओं में हमें बढ़त मिली, ज्यादा हमारा मत प्रतिशत था, लोगों ने साफ संकेत दिया लोग दुखी हैं इस सरकार से। और विधानसभा में तो 10 साल का इतिहास देखो बीजेपी का, बीजेपी पूरे देश में लोकसभा में प्रदर्शन जो होता है विधानसभा में उससे प्रदर्शन का भी लुढ़क जाता है भाजपा का, तो हरियाणा में भी वो वही हुआ था 19 में भी और दोबारा से। अब एक बार अब इनको बोल रहा था इसके बाद कांग्रेस में सेंधवारी शुरू की है, सोनीपत से कांग्रेस सीट पर जीते निखिल मदान को उन्होंने किसी भी ज्वाइन करा है, पानीपत जिले के एक विधायक का नाम भी शामिल हो रहा है कि कांग्रेस के एक विधायक है उनको भी शामिल। ऐसा है पिछले 2 वर्ष से लगातार कांग्रेस में जो ज्वाइनिंग का दर चल रहा है मैं आपको बताऊं, आज भी कल भी ज्वाइनिंग हुई है, आज भी ज्वाइनिंग हमारे हो रही है, 40 से ज्यादा पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, एक मौजूदा सांसद, 3 आपने देखा मौजूदा निर्दलीय विधायकों ने भाजपा से समर्थन वापस लेके कांग्रेस को समर्थन दिया। लगातार तमाम पदाधिकारी, जिला परिषद के चेयरमैन, अभी भिवानी जिला परिषद चेयरमैन जो है ज्वाइन हुए, दादरी जिला परिषद ज्वाइन हुए, तो जिस रूप से कांग्रेस पार्टी में इतने जो तांता लगा हुआ है ज्वाइनिंग का, एक आधा भाई टोक ना लग जाए हो सकता हम ही भेज रहे हो तो हो सकता भाई जो है कि इतनी
जो है तो प्रचंड ज्वाइनिंग, तो सेंध मारी का जो है मैं समझता हूँ कि जो आप जो वो देखेंगे दिशा, वो दिशा कांग्रेस की तरफ ही है। निर्दलीय साहब निर्दलीय नाराज है क्या? अस्पताल अलगमत में है, निर्दलीय सारे नाराज हैं इनसे, पांच में से नैनपाल राव भी कल नाराज थे। क्या बोले सरकार अलगमत में है कांग्रेस, इसलिए कुछ दोबारा राज्यपाल से मिल जा रही? मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले निर्दलीय क्यों नाराज है? पेन रखा था क्या? सॉरी ध्यान नहीं रहा यार, ये बता तो देते। सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं। तो अपना जो निर्दलीय जो है वो अपना, हाँ जी, तो जो निर्दलीय है वो क्यों निर्दलीय जो है वो क्यों नाराज है, इसको तो सोचो आप। वो इसलिए नाराज है, वो खुल के कहते हैं कि पाँच साल में काम ही नहीं हुआ हल्के में, फिर उनको मनाने की कोशिश करती है। अब काम नहीं हुआ तो आखिरी दो महीने में तो काम क्या होगा हल्के में? अब तो भाजपा भी जिसको मनाने की कोशिश करेगी, यानी कि व्यक्तिगत तो मना सकती है, व्यक्तिगत तो मना सकती है, लेकिन हल्के में जो ये आरोप लगाए हैं नैनपाल जी ने, आरोप लगाया कि हल्के में काम नहीं हुआ दस साल, अब वो दस साल नहीं हुआ ताकि दो महीने में क्या काम होगा, ये बात है। तो जनता भी इनको छोड़ चुकी है, अब विधायक भी छोड़ रहे हैं। एमपी साहब, महेंद्रगढ़ में अमित शाह जी आए थे तीन दिन पहले, उन्होंने एक बड़ा स्पीच सा बयान दिया था कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को ओबीसी में शामिल करने जा रही है कर्नाटक की तरफ से, इस पर बड़ा अजीब सा बयान था। आप बताइए, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार दिलेर जी, आज तक इससे पहले इस मुद्दे का जिक्र भी सुना आपने हरियाणा में? तो वो अपने काम बताने की बताई, इस तरह की बातें लेके आ रहे हरियाणा में, जो कभी हरियाणा की मैं दूर दूर तक जिक्र ही आज तक नहीं है। हरियाणा के मुसलमान ऑलरेडी और जो जैसे मेव हैं वो ऑलरेडी शामिल हैं, वो हरियाणा में उनको जानकारी नहीं है। मेव जो है बीसीबी बीसीबी कैटेगरी में शामिल है, दस साल तक बीजेपी की सरकार में शामिल रहे, उनको उसका जो है पूरा लाभ मिला बीजेपी की सरकार में। भ्रमित करने वाला बयान है, भ्रमित नहीं, अपना एजेंडा वाला बयान है कि भाई विकास के जो हमने हिसाब मांगा उससे तिलमिलाहट का बयान है कि भाई हिसाब ना देना पड़े, ऐसे मुद्दे लेके आए जिसका कभी हरियाणा की राजनीति में जो मुद्दे है ही नहीं हरियाणा की राजनीति में, और लोग समझ चुके हरियाणा के बीजेपी के एजेंडा को। लोगों ने जो इस बार मतदान किया है वो भाजपा का जो जिस तरीके से धार्मिक धर्मार्थ और जातीय ध्रुवीकरण करने की जो भाजपा की एक हरियाणा के अंदर एक नकारात्मक राजनीति रही है, और काम ना करने की नकारात्मक, लोगों ने दोनों चेहरे देख लिए हैं, दोनों को नकारने का काम किया है। लोकसभा के चुनाव इस बात के प्रतीक हैं, आपने रोहतक लोकसभा में देखा होगा, रोहतक लोकसभा क्षेत्र के नतीजे में भी, आप उसको पूरे प्रदेश के नतीजों में भी उसमें देखा होगा। जिस तरह की आप यात्राएं निकाल रही हैं, यात्राएं निकाल रही हैं, इसके बाद सारिका जी कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद ज्यादा आत्मविश्वास में है, कहीं आत्मविश्वास कांग्रेस या कांग्रेस को ले नहीं बैठे? नहीं, आत्मविश्वास, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अति आत्मविश्वास नहीं, मैं दलेर जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। अब ये जो कार्यक्रम है हमारा हरियाणा मांगे हिसाब, इस कार्यक्रम में यह कांग्रेस का ये AICC का कार्यक्रम है, BCC का कार्यक्रम है, इसमें हम डोर टू डोर जा रहे हैं हर कांग्रेस जन, और मैंने जब ये अभियान आया तो मैंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस नेता घर घर जा रहे हैं, और मैं हर विधानसभा में जाऊंगा, और हर विधानसभा में कहीं 4 किलोमीटर कहीं 5 किलोमीटर कहीं कल 7 किलोमीटर भी था, अपना पदयात्रा के माध्यम से जो है ये हिसाब मांगने का भी काम करेंगे, और कांग्रेस से संकल्प भी लोगों तक पहुंचाएंगे। तो हम मेहनत कर रहे हैं, आत्मविश्वास अच्छी बात है मगर अति विश्वास नहीं है, हम मेहनत कर रहे हैं, मैं आत्मविश्वास है, और मैं मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों का हम विश्वास जीतेंगे। कितनी सीटों पर खड़े हैं जो जिस हिसाब से आपके तो लक्ष्य भारत पदयात्रा को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, कारण बढ़ रहे हैं, कितनी सीटों को मान के चल रहे हैं आप विधानसभा? बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनेगी मेरा ऐसा मानना, कोई भी आंकड़ा हो सकता है जी। जो लोगों में मैं देख रहा हूँ, हर जगह जा रहा हूँ, जितने भी आकलन है उससे भी ज्यादा कांग्रेस का आंकड़ा होगा। एक बार पहले बोल दिया था उनको, इसके बाद बोल लेना, वो मान नहीं रहे तो उसके बाद बोल लेना।
अभी जो आपके 15 अच्छा जी बंसारी जी ठीक ठीक है जी अच्छा 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 ठीक ठीक थोड़ा आराम से हो जाएगा। हरियाणा में कांग्रेस की लहर है और हर हल्के में टिकट के दावेदारों की संख्या बहुत ज्यादा है। आज हमने देखा कि इतनी पट्टिकाएं लोग लिए हुए थे, यहाँ 20 से ज्यादा टिकट के दावेदार हैं। कांग्रेस देखिए इसमें ये है कि एक चीज जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है, कांग्रेस हाईकमान की तरफ से, कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व की तरफ से कहा गया है कि इस पूरी तरीके से प्रयास किया जाएगा कि मेरिट पर और सर्वे के आधार पर टिकट का वितरण हो। कई बार ये बात आप सही कह रहे हैं कि सर्वे में भी कई बार एक से ज़्यादा एक दो जो अपने प्रयास कर रहे हैं वो जो है ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता उनका सर्वे। भाई किसी का अगर 50% लोग किसी हक में बोल रहे हैं, किसी के में अगर 55% बोल रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि भाई 50% वाले जो आदमी वो कमज़ोर उनको आका जाए, ये भी सही हो जाती है। लेकिन यही हमारा प्रयास रहेगा कि उन सभी को मान सम्मान, क्योंकि जब सरकार बनती है तो उसमें मान सम्मान सबका वो सरकार के हाथ में होता है। तो कांग्रेस की सरकार में कहा गया है, हुड्डा साहब ने उस दिन कहा सोनीपत में जो हमारी एक तैयारी बैठक चल रही थी इस अभियान की, कि हर ऐसे प्रत्याशी संभावित प्रत्याशी जो प्रयास कर रहे हैं जो भाई एक ही को टिकट मिल सकते हैं स्वाभाविक रूप से, लेकिन बाकियों को सरकार में बराबर का स्थान मान सम्मान सुनिश्चित करेंगे, ये कांग्रेस पार्टी करेगी, ऐसा उन्होंने कहा। और यही हमारी कोशिश होगी, क्योंकि सबको पता है सरकार बनने जा रही है, सरकार बनने जा रही है, और सरकार में जैसे मैंने कहा कि भाई कांग्रेस के पक्ष में लहर है, लेकिन उसमें कई बार कई विधानसभाओं में तो क्लियर कट एक ही नाम आएगा सर्वे में, मगर कई विधानसभाओं में नज़दीकी सर्वे भी रहने वाले हैं, स्वाभाविक होता है। तो उसमें हमारा ये प्रयास है सरकार में सबको हम उचित और बराबर का मान सम्मान और स्थान कांग्रेस पार्टी दे। आप इसी बात के संदर्भ में कहना चाहूंगा, पिछले दिनों यहाँ पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी आए हुए, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस में विधानसभा 15-15 कैंडिडेट है, जैसे जिस कांग्रेस एक आगे करेगी तो 14 बैकफुट पे हो जाएंगे, तो वहाँ खलबली मची। क्या आप मानते कुछ ऐसा होने जा रहा है? देखिए ये आपने जो बात की है ये इसी के संदर्भ में मैंने वो बात की, जब पार्टी किसी की हवा होती है तो स्वाभाविक रूप से जो है बहुत से संभावित उम्मीदवार भी होते हैं, सबका अधिकार भी है। कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पिछले कई वर्षों से अंत तक मेहनत करी है, वो लोग प्रयास करेंगे ही। तो ये जब अच्छी लहर होती है किसी पार्टी की तो उसका पहलू है, लेकिन उसका उत्तर वही है जो मैंने आपको कहा कि सबका मान सम्मान और सबको बराबर का सम्मान मिले, स्थान मिले, ये सरकार के हाथ में होता है। कांग्रेस की सरकार में ये सुनिश्चित होगा, ये हुड्डा साहब इस बात की घोषणा कर चुके हैं। एमपी साहब जुड़ाना से कोई पैरासूत्र उम्मीदवार भी हो सकता है? ये जो है मैं समझता हूँ कि आपकी कौन सी चर्चा, आप मेरे को बाद में डिस्कस कर लेना। बाकी हमने कहा कि जो है अपना क्या कहते हैं मेरिट पर सर्वे के आधार पर उम्मीदवार जुलाना समय सभी सीटों पर 90 सीटों पर सर्वे के आधार पर मेरिट पर उम्मीदवार आएंगे। देखिए ये तो ब्रेक में सर्वे में तो मैं समझता हूँ कि जो मैंने कही उसमें बहुत बड़ी उसमें सबका आपका उत्तर का आपका भी उत्तर है उसमें। सर विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों का क्या स्टेटस है अगर राज्यसभा का चुनाव नोटिफिकेशन आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, कांग्रेस सबकी अपनी रणनीति हमारी रहेगी। हरियाणा में किस हरियाणा विचारे के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव होगा? हरियाणा में कांग्रेस पार्टी चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में, नेता विपक्ष चौधरी उपेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में, सभी कांग्रेस के नेताओं के सहयोग से, सभी के अंथक परिश्रम से, एकजुटता से चुनाव प्रचंड बहुमत से लड़ेगी भी नहीं जीतेगी प्रचंड बहुमत से, ऐसा मैं विश्वास आपको दिला रहा हूँ। देखो भूपेंद्र सिंह आपकी जान साफ दिखाई दे रही है। देखिए ऐसा है, ये क्या बात कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि जैसे मैं उसका जवाब दे चुका हूँ कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी
चौधरी चौहान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। जिस तरह से मेहनत करी आपने देखा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने पिछले दो साल में, जो आज एक माहौल बना है, तो सारे एकजुटता से चलेंगे। और हमारा जो सीएम का जो प्रक्रिया होती है, वो हमारी प्रक्रिया जो कांग्रेस के हाईकमांड की प्रक्रिया होती है, हुड्डा साहब भी स्पष्ट कर चुके हैं, विधायक आते हैं कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उस पर का विधायकों से जो है विचार विमर्श करके कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अधिकृत रहता है। ये कांग्रेस की हमारी प्रक्रिया है, तो ये हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी उसकी प्रक्रिया के अनुसार चलेंगे। आपकी पार्टी का सर्वे कब तक हो जाएगा और जो आप सुझाव ले रहे हैं ये कब तक सामने आ जाएगा? देखिए, ये घोषणा पत्र के हम लोग डोर टू डोर सुझाव ले रहे हैं और अपना ये 15 अगस्त तक का डेडलाइन दिया है। जो लोग घोषणा पत्र में, ये अच्छा सवाल है, देखो ये पॉइंट की साथ आपको तो है जो भी पॉइंट वाला था। थैंक यू। अच्छा सुनो, अपना ये मैं कह रहा हूँ कि ये एक ना ये पॉइंट खबर में लाइक 15 अगस्त तक का समय दिया है। डोर टू डोर के माध्यम से जो चुनावी घोषणा पत्र में, कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो सुझाव शामिल होने हों, 15 अगस्त को लेकर हम कंपाइल करना शुरू कर देंगे। उसके बाद मतलब कोई सुझाव तो आप लोगों को भी कोई सुझाव दो, 15 से पहले देना। और डोर टू डोर का भी जो अभियान का हमारा जो अधिकृत टाइम है, इस कलेक्शन अभियान तो चलता रहेगा इलेक्शन तक, मगर इसके अभियान के तीन हिस्से हैं ना, एक चार्जशीट बीजेपी के खिलाफ जो मैंने बताई, एक अपराध संकल्प पत्र, वो भी आपको पता है हम क्या करेंगे, और तीसरा है कि लोगों से सुझाव। सुझाव की अंतिम तारीख 15 अगस्त है, 15 अगस्त से पहले सुझाव लेके पहुँचाएँ कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस।